ईद के पर्व को लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन हुआ सतर्क। आर एक्सप्रेस की टीम ने किया मुस्लिम भाइयों से बातचीत। आर एक्सप्रेस के लिए राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। आज ईद का पर्व है और इस समय हम खड़े हैं रायबरेली के डबल फाटक स्थित ईदगाह के सामने। ऐसे हमेशा यहाँ पे 15,000 से 20,000 लोग आते थे, ईद की पावन पे नमाज अदा करते थे, लेकिन आज यहाँ पे ताला लगा हुआ है। सरकार का जो सख्त नियम है उस नियमों को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे आज कहीं कोई भी नहीं है, यहाँ पे ताला लगा है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, आज पूछते हैं कि कैसे वो लोग अपने इस पर्व को मना रहे हैं। भाई साहब अपना नाम और परिचय बताइए। बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ समाजसेवी। इस बार सरकार ने ईदगाह बंद करने के लिए बोला, कैसे आप लोग अपना पर्व मना रहे हैं? इस बार जो है, जैसे पूरे देश में लॉकडाउन में लगा हुआ है और हम लोगों को ये चाहिए भी, सरकार की तरफ से भी, हमारे अपने हित में भी है कि हम लोग इस बार जो है नमाजें जो है अपने अपने घरों में पढ़ लें, और जो भी जिसको भी अगर किसी को मुबारकबाद भी देनी है तो फ़ोन का इस्तेमाल कर लें। ऐसा नहीं कि मिलने से ही हम लोगों की ईद बन जाएगी, और इस बार जो अपने अपने घरों में पूरी तरह से पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करा जाए, और अगर हम ऐसा कर ले जाते हैं तो यकीनन ये जो बीमारी फैली हुई है इससे हम सब इस जंग को जीत लेंगे और हमारे यहाँ से ये बीमारी दूर हो जाएगी। जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों को हम लोग पूरी तरीके से पालन करना चाहते हैं, और इसीलिए इस बार भी हम लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में एकत्रित नहीं हुए हैं। अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, और देखने वाली बात है कि आम आदमी कब तक जागरूक रहेगा।